अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सहर फातिमा एंड माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ द इंग्लिश लिटरेचर। ओके, सो टुडे इट्स माय सेकंड वीडियो ऑन माय चैनल। सो लेट्स सी द टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अ नॉवल और ड्रामा ऑफ द थिएटर ऑफ द अपसेट एंड दैट इज़ द केयरटेकर विच इज़ रिटन बाय हैरोल्ड पिंस्टर। ठीक है, अब हम केयर टेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इनके की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, यानी कि इसमें हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे और राइटर की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे एंड करेक्टर डिस्कस करेंगे, एम्फिक्यूज डिस्कस करेंगे एंड द लास्ट थिंग इज द थीम्स, मेन थीम्स जो भी इस नॉवल या वर्क पीस ऑफ वर्क के होंगे हम इस ड्रामा में इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू टू ऑल ऑफ यू द बायोग्राफी ऑफ हैरोल्ड पिंस्टर, हु वाज अ ड्रामेटिस्ट एक्टर एज वेल एज अ नॉवलिस्ट। ओके, सो ही वाज बोर्न इन 10 अक्टूबर 1930 इन हैक्टरी इन ईस्ट लंदन, और ये इसकी डेथ हुई थी इन 2008, यानी कि लेटेस्ट ही इसकी डेथ हुई है। और ये कहाँ पे पैदा हुआ था, ईस्ट लंदन में पैदा हुआ था 10 अक्टूबर 1930 को। और ये एक राइटर था, एक्टर था और इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया है द थिएटर ऑफ द अपसेट में। ओके, उस एरा में जबकि एपिसोड लिखा जा रहा था, एपिसोड के जो थिएटर में परफॉर्मेंस की जा रही थी, वो सारा कुछ इसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने वर्क्स को, पीस ऑफ वर्क को इसने बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूएबल बनाया है। किसके थ्रू, थिएटर के थ्रू। थिएटर में ये परफॉर्म करते थे एज एन एक्टर, और जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। और इसने 29 प्लेस लिखे हैं एंड इसने 2005 में लेटेस्ट ही इसे नोबेल प्राइज़ वान किया है बिफोर 3 ईयर्स ऑफ हिज डेथ। सो ही स्पेंड 50 ईयर्स इन हिज करियर वर्क, इसे जो भी इसका करियर वर्क था उसमें उसने 50 साल अपने लगाए। और इसने 27 स्क्रीन प्लेस लिखे एंड फिल्म जिसको फिल्माइज किया गया और टेलीवाइज किया गया और अडॉप्ट किया गया इन प्लेस को एंड नॉवल फॉर स्क्रीन। इसके जो प्लेस थे, इसके जो नॉवल थे, जो भी पीस ऑफ वर्क था, उन सब को स्क्रीन में भी प्ले किया गया। डेट्स वाई इसको थिएटर ऑफ अपसेट बोलते हैं, बिकॉज इसकी जो अब्सर्डिटी थी, ये जो उसने पीस ऑफ वर्क लिखा था, इसको थिएटर में भी प्ले किया गया। सो सॉरी फॉर मिस अप, ये सारा मिस हो गया था बिकॉज इस पानी गिर गया था जो मैंने लेक्चर नोट किया था। सो I hope you will ignore it. So let's start. इसके major works पे आते हैं। इसके major works बहुत सारे हैं, but we'll discuss about 4 to 5 his major plays. First इसका major play The Room, जो इसे 1957 में लिखा। The Old Time 1970 में लिखा। The Birthday Party ये 1957 में लिखा। अगेन द केयर टेकर ये 1959 में लिखा, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारी समरी जिसकी हमने डिस्कस स्टोरी करनी है वो द केयर टेकर है। और ये इसने कब लिखा, 1959 में लिखा। और इसको कब जो है प्ले परफॉर्म किया गया, इसको परफॉर्म किया गया 1960 में, इसको थिएटर में परफॉर्म किया गया। ठीक है, फिर इसने उसके बाद ही इसका 1972 का एक वर्क आ जाता है मोनोबैक, और फिर होम दी होम कमिंग आ जाता है, द मून लाइट आ जाता है। ये सारे इसके जो जो वर्क्स हैं, मेजर वर्क्स हैं, वो डिस्कस किए गए हैं। सॉरी, अब इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। इसकी लैंग्वेज किस तरह की थी, इट वॉज फेमस फॉर दिस मैग्निफिकेंट यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा एक मैग्निफिकेंट एट्रैक्टिव लैंग्वेज यूज़ करता था। ही यूज कॉलिक्यूअल लैंग्वेज, अनपॉलिश्ड ग्रामर, इलीगल सेंटेक्स इन हिज वर्क। इट्स मीन डैट ये
प्रोज राइटिंग में, ठीक है, वो अपने पीस ऑफ वर्क लिखा करता था, प्रोज राइटिंग यूज़ करता था, यानी कि इसकी लैंग्वेज में कोई ऐसे इतने जो है टफ वर्डिंग नहीं थी कि लोगों को समझ ना आ सके, हर कॉमन इंसान इसके पीस ऑफ वर्क को पढ़ सकता था, समझ सकता था। और इसमें ग्रामर का ज़रा भी यूज़ नहीं किया गया, अगर किया गया है तो अनपॉलिश्ड है, एक मखसूस स्पेशल ग्रामर का यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ अनपॉलिश्ड यानी कि एक सिंपल सी ग्रामर का यूज़ हुआ है तो हुआ है, अदरवाइज इसका यूज़ नहीं हुआ। और इलीगल सेंटेक्स के यानी कि सेंटेंस जो इसने यूज़ किया है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसकी वर्डिंग जो है वो विदाउट सेंटेंस जो है परफॉर्म की गई है, जो कि इसके पीस ऑफ वर्क में हमें नज़र आता है, डायलॉग्स में नज़र आता है। तो ये उसकी लैंग्वेज के बारे में बात हो गई। अब इसके स्टाइल में स्टाइल के बारे में बात करती हैं। ही स्टाइल करेक्टराइज बाय यूज़ ऑफ पॉज, साइलेंस, रिपीटेशन, आयरनी, रेफरेंसेस, फेलियर, सेमेंटिक एंड एम्बिग्यूटी। ठीक है, इसके स्टाइल में इसके करेक्टराइज जो थे उस वो करेक्टर किस तरह बोलते थे, जैसे किस आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन में क्या जो है टेक्निक्स यूज़ की हैं उसने, साइलेंस यानी कि जब उनको कोई बात समझ नहीं आती वो चुप कर जाते हैं, वो आंसर्स नहीं दे पाते। फिर रिपीटेशन, एक ही बार बात बार बार बोली जाते हैं, यानी कि जब वेटिंग ऑफ गौरव हम पढ़ते थे तो वेटिंग ऑफ गौरव में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हुई है, जो फर्स्ट एक्ट में जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो रिपीट किए गए हैं सेकेंड एक्ट में भी, इसी तरह बार बार एक ही वर्ड यानी कि नथिंग टू बी डन, नथिंग टू बी डन, ये ऑलमोस्ट जो है 5 to 6 टाइम बोला गया है दैट नथिंग टू बी डन। और आयरनी, इनके जो वर्क्स हैं अब्सर्ड थिएटर में जो प्ले किए गए उनमें आयरनी बहुत ज़्यादा थी। रेफरेंसेस यानी कि अगर वेटिंग ऑफ ऑर्डर की बात करें, रेफरेंस लिया गया है बाइबल से, थीव्स का रेफरेंस लिया गया है, यानी कि क्राइस्ट को जब लटकाया गया था, हैंग किया गया था, फिर इसके बाद आईफल टावर का रेफरेंस लिया, ये बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस यूज हुए हैं। और फेलियर भी, ठीक है, इनकी फेलियर दिखाई गई है कि आफ्टर वर्ल्ड वार टू ये किस तरह नाकाम रहे, इनकी साइकी किस तरह जो है इफ़ेक्ट हुई और किस तरह इनको जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चले गए। और फिर सेमेंटिक एम्बिगुइटी इनमें यूज़ हुई है। देन हम इसके थीम्स के बारे में बात करते हैं, तो थीम्स इसमें आइसोलेशन का थीम यूज़ हुआ है, इनर जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट का थीम यूज़ हुआ है, और पावर का थीम यूज़ हुआ है, पावर रिलेशन का, और रेसिज्म का थीम यूज़ हुआ है, और पीपल एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेशन इन इसका थीम यूज़ हुआ है। केयर टेकर की बात कर रहे हैं कि केयर टेकर में और ओवरऑल जो भी इसमें वर्क किया गया है थिएटर ऑफ अपसेट में, उन सब में यही थीम्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, यानी कि हर बंदा एक अलग ही दुनिया में रहता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। फिर उनके रिलेशंस में क्या पावर्स हैं वो दिखाई गई हैं, आया कि उनके रिलेशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वीक है, और रियलिज्म जो है दिखाया गया है कि उनमें रियलिटी कितनी है। और इनर जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट के इंसान जो उस जनरेशन थी वर्ल्ड वार टू के बाद की जो जनरेशन थी, उसका कॉन्फ्लिक्ट अंदर ही अंदर में क्या था, उसकी साइकी क्या थी, उसका माइंड क्या था, और प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिटी कि वो एक दूसरे को पहचान नहीं सक रहे थे। ठीक है, ये उन्हें पता नहीं था कि अपना कौन है और कौन है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं शेयर। और फिर उसके बाद पीपल इन एबिलिटी टू कम्युनिकेशन, यानी कि पॉजेज आ रहे थे, साइलेंस आ रही थी, रिपीटेशंस आ रही थी, तो इस तरह की जो पीपल्स की कम्युनिकेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी। देन अगेन हम इसके जो है राइटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हिज वर्क आर क्लासिफाइड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। इसके जितने वर्क हैं हेरोल्ड प्रिंस्टर के, वो सारे किसको शो करते हैं, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को। और द केयर टेकर इज क्लासिफाइड एज अ ट्रेजाइक कॉमेडी, ठीक है, उसको भी एज अ ट्रेजाइक कॉमेडी जो है प्रेजेंट किया गया बाय हेरोल्ड प्रिंस्टर। परफॉर्म किया गया इसको 1960, मैंने आपको बताया था 1960 में इसको थिएटर में परफॉर्म किया गया, और ये मिस्टर का एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन बन गया जिसके बेस पे उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। तो इस बेस्ड ऑन 3 एक्ट, ये जो प्ले है केयर टेकर ये 3 एक्ट पे बेस करता है, और द प्ले इज़ स्टडी हाउ पावर एलिगेशंस और एलिगेंस, करप्ट इनोसेंस, इफेक्ट अ लॉन्ग ट्रैम्प
and also two brother who met. ठीक है, यानी कि ये जो केयर टेकर है ये हमें बताता है कि कैसे एक पावर एंड एलिगेंस जो है और एक करप्टेड इनोसेंस जो है अफेक्ट करती है एक ट्रैप को. ट्रैप कौन था उसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एक बंदा है जो ट्रैप है और दो भाई जो आपस में मिलते हैं और उनके दरमियान का रिलेशन और इस ट्रैप का रिलेशन कैसे जो है हमें पावर एलिगेंस और करप्ट इनोसेंस के बारे में बताता है. और फिर द करेक्टर स्पीच जो है करेक्टर की और जो स्पीच है वो हेजिटेशन शो करवाती है, पॉज शो करवाती है. रिवील नॉट देयर ऑन एलिनेशन एंड डिफ़िकल्टीज कम्युनिटी. अच्छा, जो हम इसमें बताते हैं कि करेक्टर की जो स्पीच है ना वो हेजिटेशन में मुबतला है, यानी कि उनको समझ नहीं आता तो वो साइलेंट हो जाते हैं, फिर पॉजेस लेते हैं, फिर रिवील नहीं करते कि उनकी मतलब वो क्या चाहते हैं और उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कम्युनिटी के अंदर कैसी हैं. बट ऑल्सो मैनी लेयर ऑफ मीनिंग, यानी कि जो वो बात करते हैं उनकी और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं, एक ही बात नहीं करते. यानी कि अब वेटिंग फॉर गॉडो में उन्होंने बात की आईफल टावर की, तो आईफल टावर किसको शो करवा रहा है, ठीक है, फिर उनकी हैप्पीनेस को शो करवा रहा है और यानी कि उनके अच्छे दिन भी थे. और जब वो बात करते हैं उसकी हैंग होने की जीसस क्राइस्ट की हैंगिंग की, तो क्या होता है कि यानी कि उन्होंने वो एरा भी देखा हुआ है, उसको भी फेस किया हुआ है. और यानी कि फिर उसके बाद यानी कि दिखाया जाता है कि उनका बिलीव है जीसस क्राइस्ट पे और उनका बिलीव किस पे भी है, बाइबल पे भी. इसी तरह की उनकी बातों का एक ही मतलब नहीं होता, एक मतलब जो वो बात कर देते हैं उनकी बहुत ज़्यादा लेयरिंग्स होती हैं एक मीन वर्ड की. हिज प्ले आर नोटेड फॉर अंडरस्टेटमेंट, स्मॉल स्टेटमेंट एंड साइलेंस. अच्छा, इसके प्ले जो हैं वो नोट किए जो जाते हैं वो अंडरस्टेटमेंट, यानी उनके उसमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो कम होती हैं और वो अंडरस्टूडेबल होते हैं और उनकी स्टेटमेंट स्मॉल होती हैं और उनमें साइलेंस ज़्यादा पाई जाती है. ही इज़ अ राइटर ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार टू, जो वर्ल्ड वार टू थी उसका ये राइटर है मेन. ही इज फादर वॉज ज्यूइश टेलर एंड ही act his play as actor with various companion appearing with David name in Provencale Repertory Theatre and 1959. अभी ये इसने अपने companion के साथ भी काम किया. इसके father का नाम जोश टेलर था और मतलब उसके father का नाम जो है वो unknown है, लेकिन उसका बाप जो था वो जोश टेलर था, यानी कि यहूदियों में एक दर्जी हुआ करता था, ठीक है, फैशन डिज़ाइनर जैसे हम बोलते हैं अब की दुनिया में, लेकिन तब वो टेलर होते थे, ठीक है. फिर उसके बाद वो एक्ट जो है इसके प्लेस जो है उसमें इनके कंपेनियनशिप भी दिखाई गई, इनके कंपेनियन भी थे जिसके डेविड का नाम आ जाता है. उसने 1959 तक उसने इसके साथ काम किया थिएटर में. फिर 1956 के बाद केम राइटर ऑफ द स्टेज. फिर उसके बाद वो कॉमेडी भी करता रहा था रूम एंड दिस ड्रम, और इसने ये कॉमेडी भी की. ये इसके कॉमेडी प्ले हैं, रूम भी इसका कॉमेडी प्ले है एंड द ड्रम भी इसका कॉमेडी प्ले है. और जो इस्टेब्लिश्ड हुए एज एक्टर वन, जिसका सिर्फ एक ही एक्ट है उसमें और ज़्यादा एक्ट नहीं आते, यानी कि हमारा जो हमने केयर टेकर पढ़ना है वो तो 3 एक्ट्स पे जो है मुश्तमिल है, बट ये द रूम एंड द ड्रम ये एक ही एक्टर रखते हैं. और फिर उसके बाद डेट वॉज फिल्माइज्ड, उसको फिल्माइज भी किया गया और इस्टेब्लिश इन अ वीक एंड पजल द लंडन ऑडियंस. बट लेटर इट वॉज टेलीवाइज्ड रिवाइव्ड सक्सेसफुली इन स्टेज. सबसे पहले तो जब ये रूम और कॉमेडी आ गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने द बर्थडे पार्टी भी इसका आ गया, तो बर्थडे पार्टी ने भी क्या किया, इन्होंने जब इस्टेब्लिश हुए एक वीक में इस्टेब्लिश किया गया इनको. और जब इस्टेब्लिश हुए तो लंदन की जो आवाम थी उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, पजल कर दिया. लेकिन जब बाद में इनकी समझ आई तो क्या हुआ कि इनको फिर टेलीवाइज किया गया, फिल्माइज किया गया और रिवाइव किया गया एंड सक्सेसफुली इन द स्टेज.
आई नो वेरी वेल कि जो ये वीडियो है बहुत लंबी होती है हो जा रही है, बट मैं ट्राई करती हूँ जल्दी जल्दी करवा दूँ. पिंस्टर्स लेटर बिकॉज जो पिंस्टर की जो अभी की सक्सेस है नो मैंस लैंड, कोई मतलब ये एक प्ले है इसका नो मैंस लैंड 1975 में लिखा गया. फिर बेट्रोल 1978 में लिखा गया, मूनलाइट 1993 में लिखा गया, द सेलिब्रेशन 2000 में लिखा गया. इंक्लूडेड द पिंस्टर एज अ डायरेक्टर डायरेक्टिंग ऑफ बोथ हिज एंड अदर वर्क. अच्छा पिंस्टर जो था ये इसने इन सारे प्लेस को मतलब डायरेक्टर भी एज रहा है, उसने जो है एज अ डायरेक्टर इन प्लेस में काम किया है. और मिस्टर प्लेज आर सो एम्बिवलेंट एंड देयर प्लॉट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ देयर कैरेक्टर एंड एंडिंग, बट दे आर वर्किंग एबल पावर. अच्छा अब इसमें क्या होता है कि इसके कैरेक्टर्स जो हैं इन सब में बड़ा अच्छा ट्राइज किया है पिंस्टर ने, बड़ा फिल्माइड किया है, बड़ा अच्छा प्ले किया है, लेकिन जो इसके करेक्टर और जो प्लॉट होता है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके करेक्टर की जो वो कम्युनिकेशन होती है, डायलॉग्स होते हैं, इनका जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा इतना पावरफुल नहीं होता, ठीक है. यानी कि वो फजूल बातें करते हैं, यही मकसद है थिएटर ऑफ अपसेट का, वो इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते, पॉजेस लाते हैं, साइलेंस लाते हैं, वो ये बात रिपीट हो जा रही है. फिर द ऑडियंस सीज अ साइकी इंस्टेबिलिटी ऑफ द कपल ब्रेक डाउन एज देयर फियर जेलसी हेटर सक्सेस, ये थीम्स दिखाए गए हैं जो कि थिएटर ऑफ द अपसेट में यूज़ हुए हैं, कि साइकी जो है वो इफेक्ट हुई थी, कपल ब्रेक डाउन यानी कि बहुत ज़्यादा कपल्स जिनका ब्रेक डाउन हो गया था और उनका फियर उन पे गालब आ गया था, जेलिसीज हो गई थी लोगों में ज़्यादा, हेटर्स हो गए थे, सेक्सुअल जो है प्री ऑक्यूपेशन आ गए थे, लोनलीनेस इमर्ज फ्रॉम बीनीथ स्क्रीन ऑफ बिजार येट कॉमन प्लेसेस कन्वर्सेशन, ठीक है. ये सारा कुछ ये थीम्स दिखाए गए हैं इंपॉर्टेंट कि ये लोगों में आ गए थे और फिर कैसे लोग जो है वो बेजार हो गए थे अपनी लाइफ से. डायलॉग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पिंस्टर प्ले. जो इसकी ये टेक्निक है पिंस्टर क्यू एक टेक्निक है जिसमें कंसिस्ट ऑफ डिसजॉइंटेड ऑडली एम्बिवेंट कन्वर्सेशन दैट हैपन बाय साइलेंस. ये एक टेक्निक है पिंस्टर क्यू जो कि जिसमें क्या है डिसजॉइंट आती है, यानी कि जो डायलॉग्स हैं वो पूरे नहीं बोले जाते, करेक्टर अपने डायलॉग्स बोलते हैं लेकिन हाफ, और ऑर्डली यानी कि वही बात कि वो पूरे बात नहीं करते और वहीं पे भी दरमियान में छोड़ जाते हैं, और उनकी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा साइलेंस में होती है, ठीक है. यानी कि उनको कोई बात समझ नहीं आती तो साइलेंस हो जाते हैं, उनको कोई बात समझ आती है तो साइलेंस हो जाते हैं, उनको कुछ कहना नहीं आता, उनको कोई बात भूल जाती है तो साइलेंस हो जाते हैं. सो ये डेट्स ऑल हैपेंड इन थिएटर ऑफ एब्सेंट, इट्स नॉर्मल जो थिंग थी थिएटर ऑफ एब्सेंट में. इन एडिशन ही रोट रेडियो स्टेज एंड फॉर टेलीविज़न, ही इज थ्री फिल्म डायरेक्टेड बाय जोसेफ लोसे. इसके तो थ्री मूवीज़ थी जिसको फिल्माइज किया गया था, द सर्वेंट द एक्सीडेंट द गो बिटवीन. ही सर्वेंट 1963 में लिखी गई, 1967 में एंड 1970 में. ही इज ऑल्सो नॉट एबल पॉइट, हिज वर्सेज कलेक्टेड सच एज वार. इसके वर्सेज यानी कि इस जो पोइट है ना वो कलेक्टेड कहाँ से ली गई हैं, द वार में, व 2003 में. वार जो है वो एक पोइम है जो इसने लिखी, जो कि 2003 में लिखी गई और किसके अकॉर्डिंग थी, ऑब्वियसली वर्ल्ड वार टू के अकॉर्डिंग ही थी. फिर इन 2007 ही वॉज नेम्ड शेवलियर ऑफ फ्रांस लेजेंड ऑफ ऑनर. इस नाम से इसको फ्रेंच के शेवलियर था एक, उसने इसको इस नाम से नवाजा, लेजेंड ऑफ द ऑनर. Okay, so today we have been discussed about the writer's biography, and in the next video hum discuss karenge summary and then MCQs and then MCQs to last mein honge na, character discuss karenge, themes discuss karenge, important questions discuss karenge. Okay, so is first video or next summary ke liye aap waiting for the summary of the caretaker which has been written by the Harold Pinster, and please it's my second video and
first video as well as of the English literature. Oh, I hope so you will enjoy my video. So take care of yourself and please subscribe my channel and share it with your friends. Allah Hafiz.